देखें ये पंजाबी इंडियन फिल्म रोज़ रोजी एंड गुलाब, ये जो फिल्म है जो IMGC जिसको रिलीज़ कर रहे हैं, एक अच्छी फिल्म है और उसको प्रमोट करने के लिए इसीलिए हम आए, हम सब इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ वो फिल्म अच्छा बिजनेस करनी चाहिए, चलनी चाहिए, ताकि ये जो सिनेमा है जो हम सुन रहे हैं, जो र्यूमर सुन रहे हैं कि जी सिनेमा बंद हो रहे हैं, जी लोग फिल्में नहीं आ रही हम बंद कर रहे हैं, तो ये सिनेमा जारी रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए, ताकि ये जो एक एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान की वो जारी रहे। ये फिल्म का जो प्रोसेस होता है एकदम नहीं होता है, इसकी तैयारियाँ होती हैं, इसके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, फिर कास्टिंग होती है, फिर लोकेशन देखी जाती है, फिर म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है, तो इस पर टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे हम ज़रूर। और अगर हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो उनको भी आना चाहिए यहाँ पे, और उन्होंने हमारी ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट की है, और ये बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के हमारा सिनेमा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देखें ना, जब इंडियन फिल्म चलना बंद हुई सिनेमा से तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया, हमारी फिल्म को वो इज़्ज़त ही नहीं दी हमारे ही अवाम ने जो इंडियन फिल्म को दी जाती है, तो लिहाजा इसीलिए मैंने सोचा कि एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए इंडियन फिल्म्स का, इंडियन पंजाबी फिल्म का और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का, तो उससे वो हमें देखेंगे, हम उनको देखेंगे, वहाँ हमारी फिल्में चलेंगी, यहाँ उनकी फिल्म चलेंगी, तो ये बहुत अच्छी मूव है। ये बताएं इंट्रो से आगाज कर लें कि ये फिल्म की प्रमोशन थी आज, तो उसमें आपने एक इंडियन एक्ट्रेस को ऑफर की है कि चूड़ियाँ 2 आप बनाने जा रहे हैं, तो उसको उसमें एज अ लीड हीरोइन आपको मैं लेना चाहता हूँ, जब बताइएगा किस फिल्म की प्रमोशन थी और आज आपने क्या किया फिर? शाह जी, आप तो भारतीय फिल्मों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, इवन यहाँ तक कि मेरे से ही आपने सवाल किया था कि आप इंडियन फिल्मों को प्रमोट क्यों करते हैं, क्या वजह ऐसी बनी कि आपको अपने कंटेंट पे, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों पे यकीन नहीं रहा कि आप इंडियन फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो बहुत लंबा है, जवाब तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि इंडियन फिल्म रिलीज़ हुई, बंद हुई, जब रिलीज़ हुई तो हमारी आवाम ने बहुत जाके देखी, और जब बंद हुई तो उन्होंने सिनेमा जाना छोड़ दिया, तो समझें कि ये एक हम दाना फेंक रहे हैं अपनी आवाम के आगे कि वो कॉम्बिनेशन में आए, फिल्म देखें, और उनको पता भी चले हमारी आवाम को कि हम कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे एक्टर कितने पावरफुल हैं, कितने वो इम्प्रेसिव हैं, उनसे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ये एक कॉम्पिटिशन की फिज़ा बनेगी, और जब कंपटीशन की फिज़ा बनती है तो आप काम अच्छा करते हैं। शादी चूड़िया ने ट्रेंड सेट किया है, चूड़िया 2 अभी चूँकि इनिशियल स्टेज पे है, आप क्या समझते हैं कि जो इंडियन एक्टर जिनको आपने ऑफर किया है इनके मद्दे मुकाबले कौन कौन से हीरो हो सकते हैं, मतलब कोई नाम आपके ध्यान में है? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी उनका नाम आया है, तो इससे लेटर ऑन इसे अनाउंस करेंगे। उसकी शूटिंग तमाम पाकिस्तान में करेंगे, अगर वो बहन नहीं की, अगर पाकिस्तान हमें इजाज़त नहीं देता आने की तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, पाकिस्तान इजाज़त देगा, क्यों नहीं देगा सर, वो अगर वो कहते हैं कि नहीं, वैसे मेरा तो ख्याल यही है कि मैं अब्रॉड में करूँ, वैसे मेरी डिमांड भी जो अपनी फिल्म की है, जो चूड़ियाँ हमारे गाँव में बनी, मिट्टी कट्टों में बनी, अब वो ग्लैमर के साथ और अच्छे स्केल पे वो फिल्म बनाई जाए और उसको देखा जाए। ओके, थैंक यू सर। शादी गुरनाम हुनर, हमने उनकी आवाज़ सुनी, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनकी, आपकी किसी फिल्म में उन्हें हम गाता देखेंगे, आप उनका कोई गाना है? देखें, वो डिपेंड करता है, हमारे यहाँ अभी तो सिंगर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, और कॉम्बिनेशन में अगर वो गवा सके तो ज़रूर गवाएं।